झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। सूबे में सीएम रघुवर दास पार्टी का चेहरा होंगे, उन्हीं के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। झारखंड में बीजेपी का चुनावी चेहरा मुख्यमंत्री रघुवर दास होंगे। 9 सितंबर से घर घर रघुवर अभियान की शुरुआत की जा रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी को भरोसा है कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य की योजनाएं धरातल पर उतरी है, इससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है और तमाम बीजेपी को समर्थन देने के लिए राज्य की जनता तत्पर है। इसके अलावा पीएम मोदी 12 सितंबर को रांची जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं में चुनाव में जीत के लिए जोश भरेंगे। आगामी 12 सितंबर अपने देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन यह सुनिश्चित हुआ है। 12 सितंबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती रांची में उनका आगमन होगा, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में सरकार के काम के भरोसे जनता के बीच आएगी और पार्टी फिर से सीएम रघुवर दास को सीएम बनाने के लिए वोट मांगेगी। घर घर रघुवर अभियान, यानी यह कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की उपलब्धि को हम झारखंड प्रदेश के प्रत्येक घरों तक हम पहुंचाएंगे और हम संपर्क भी करेंगे। झारखंड में बीजेपी सत्ता वापसी की तैयारी की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अपने मकसद में पार्टी कितना कामयाब हो पाती है ये तो चुनाव बाद ही पता चल सकेगा। पार्टी ने अपने नेता के चेहरे यानी रघुवर दास पर जिस तरीके से भरोसा जताया, यह रघुवर दास के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। जाहिर सी बात है कि 2014 चुनाव से इतर 2019 का चुनाव है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पे चुनाव झारखंड में विधानसभा का भी लड़ा गया था और बाद में रघुवर दास की ताजपोशी हुई थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद के चेहरे को रघुवर दास को बताते हुए पार्टी जिस तरीके से भरोसा जता रही है, तो रघुवर दास और बीजेपी के लिए, झारखंड प्रदेश बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के जो वार है उसका कैसे आखिर पलटवार बीजेपी कर पाती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।